बाल दिवस 14 नवंबर को पूरे देश में हर साल की तरह बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। हर साल उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, यही वजह है कि बच्चे आज भी उन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप हैं कोरा फ्लिक्स पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चिल्ड्रंस डे की। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल करना बिल्कुल ना भूलें। चौदह नवंबर के दिन बच्चों के अधिकार, देखभाल और शिक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। नेहरू का मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए ये जरूरी है कि उन्हें प्यार दिया जाए और उनकी देखभाल की जाए, जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। बाल दिवस के दिन स्कूलों में तरह तरह के रंगारंग कार्यक्रमों, मेलों और ढेर सारी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इस दिन स्कूलों में बच्चों को गिफ्ट, मिठाई और चॉकलेट बांटी जाती है। हालांकि इस बार कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्कूल और कॉलेज बंद हैं, तो बच्चे अपने घरों में रहकर ही ऑनलाइन ये दिवस मनाएंगे। 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद बच्चों के प्रति उनके प्यार को देखते हुए सर्वसम्मति से यह फैसला किया गया कि अब से हर साल 14 नवंबर को चाचा नेहरू के जन्म दिवस पर बाल दिवस मनाया जाएगा और बाल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हालांकि विभिन्न देशों में अलग अलग तारीखों पर बाल दिवस मनाया जाता है, भारत में बाल दिवस 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद से मनाया जाने लगा। सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाए। वैसे तो बाल दिवस साल 1925 से ही मनाया जाने लगा था। यूएन ने 20 नवंबर 1954 को बाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये दिन पूरी तरह से बच्चों को समर्पित होता है। बच्चों का मन बेहद नाजुक होता है, छोटी से छोटी बात उनके मस्तिष्क को प्रभावित करती है। बाल दिवस के दिन सभी बच्चों को, खासतौर पर गरीब व लाचार बच्चों को, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने और बाल श्रम तथा बाल शोषण जैसे गंभीर मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाता है। इस दिन चर्चाएं होती हैं, जिसमें बच्चों की मानसिक और शारीरिक सेहत, उनकी सही शिक्षा, पोषण, संस्कार के बारे में बातचीत होती है। चलिए दोस्तों, इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।